हेलो एंड वेलकम बैक। एक और राइजिंग स्टार आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था अंडर 19 क्रिकेट में, 6 आउट भी किए एक मैच में, और अब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। मोहम्मद ज़ीशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ीशान, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आई थिंक कि काफ़ी एक्साइटमेंट होगी आपको भी कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और अभी आपकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है अंडर 19 क्रिकेट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी इज्जत दी, और बाकी ये खुशी होती है इंसान जब अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करता है और अगर नेक्स्ट जो कप है इंशाल्लाह उसमें मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपसे आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले ये बताएंगे किस शहर से, किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है और क्रिकेट का जो है वो शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी मैं बेसिकली फैसलाबाद के गाँव अठमंजा जिम्बे लहला मैं उधर रहता हूँ, और हमारे वो गाँव की टीम थी उसकी तरफ से मैं खेलता था और ऐसे ही खेलता रहा, शौक़ पैदा हुआ, फिर क्लब ज्वाइन किया, फिर ऐसे ट्रायल दिए, फिर जनरल सेंटर में जाकर खेला, फिर पिछले साल एशिया कप खेला और वर्ल्ड कप में रिजर्व प्लेयर था पिछले साल, और एक अल्लाह पाक ने मदद की और एक मैं एशिया कप भी खेला, अल्लाह पाक ने अच्छा परफॉर्म कराया और अब वर्ल्ड कप के लिए इंशाल्लाह सेलेक्ट हुआ हूँ और अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा करूँगा, अपने मुल्क को वर्ल्ड कप जिताऊँगा। अच्छा, जो आपने जगह को बताया गाँव का 58 JB लैला, यहाँ से और भी कोई क्रिकेटर हैं या पहले आप ही क्रिकेटर हैं? नहीं, इधर से मेरा कज़न है, ताए का बेटा है फैसल यासीन, वो फर्स्ट का खेला हुआ है और वो मतलब बड़ा भाई है मेरा, कुछ उससे भी सीखने को मिलता है और बाकी मेरे सब सपोर्ट करते हैं, और पहला वो हमारे इलाके से है जिसने खेला क्रिकेट PCB की। तो आपने भी टेप बॉल से स्टार्ट किया होगा? गांव में बेजारी सी बात, टेप बॉल हर पाकिस्तान में टेप बॉल हर इंसान स्टार्ट करता है, और मैं गाँव का बेजारी के बाद टेप बॉल से स्टार्ट किया है। तो शुरू में मतलब कि आपका क्रिकेटिंग हीरो कौन सा था, किस बॉलर को देख के जो है वो बॉलिंग करने का शौक़ पैदा हुआ? मुझे बेसिकली वेस्ट इंडीज़ का एक बॉलर है कैटली अमरोज़ और पाकिस्तान बॉलर शुएब अख्तर, इन दोनों को मुझे देखकर बहुत मज़ा आया और मैं अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से यही करता हूँ मैं इंशाल्लाह इससे अच्छा बॉलर बनूँ और इन दोनों को फॉलो करता हूँ। तो आप पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी थे, वेस्ट इंडीज़ आप गए थे लेकिन मेरा ख्याल रिजर्व्स में थे तो आप कोई मैच नहीं खेले थे, तो वहाँ पे कर्टली एम्ब्रोस से मुलाकात तो नहीं हुई? क्योंकि मेरा ख्याल है एंटीगा में भी पाकिस्तान के मैचेस थे। जी मुलाकात तो नहीं हुई और खुशी थी ये मुलाकात होगी पर मुलाकात नहीं हो सकी। तो अब कर्टली एम्ब्रोस जो हैं वो उनकी जो रिटायरमेंट है उनको काफ़ी जो है वो देर हो गई है, तो आपने उनको फिर क्या यूट्यूब के ऊपर देखा, वीडियोज़ में देखा, कहाँ पर उनकी क्रिकेट को देखा? मैं सोशल मीडिया का दौर है, सारा दिन शुएब अख्तर और कैटली एम्ब्रोस की वीडियो यूट्यूब पे सर्च मार के देखता हूँ और उसकी जो चीज़ें वो उसको तो जो अभी करंट पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनमें आपको कोई पसंद नहीं? नहीं, सारी वाला हमारे स्टार हैं, सब पसंद है मुझे, बेस्ट मैं सारे प्लेयर पसंद है, और अब जो करंट बॉलर है वो हारिस रऊफ जो स्पीड के लिहाज से। तो यानी कि आपको स्पीड का जो है वो शौक है कि ज़्यादा पेस होनी चाहिए? हाँ जी, स्पीड का शौक है मुझे। और आपकी माशाल्लाह से हाइट कितनी है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 6'8" है। तो आपको लगता है कि इस हाइट का भी आप काफ़ी जो है वो बैटर्स को ड्रा के आउट कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाने दिया इसका फ़ायदा, अल्लाह पाने मुझे ये हाइट दिया और इससे बैट्समैन पर प्रेशर पड़ता है, जब 6'8" का बॉलर आप बैट्समैन के सामने आए वो तो घबराएगा ये क्या होने वाला है। तो अभी आप PSL में भी खेलेंगे और पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं आप, तो बाबर आजम की कप्तानी में आप खेलेंगे, तो उसकी कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट है कि इतने बड़े प्लेयर के साथ अब आप ड्रेसिंग रूम में होंगे? जी देखो, जब से मैं क्रिकेट शुरू की है बाबर आजम को जो पाकिस्तान के प्लेयर को टीवी में देखा है और आज उनके साथ इंशाल्लाह मौका मिलेगा बैठना है, रूम शेयर करना है और उनसे एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह, जाहिर बात है खुशी तो बहुत होती है अब जब उनके साथ बैठूँगा। तो कभी बॉलिंग करने का इतफाक हुआ बाबर आजम को नेट्स में या कहीं और? नहीं, बॉलिंग का तो कभी नहीं हुआ और वैसे कैंप लगे थे, बस दुआ सलाम मिली थी। तो ये बताएंगे कौन सा ऐसा बैट्समैन है पूरी दुनिया में हो या पाकिस्तान में कि जिसका कि आपको दिल करता हो कि यार इसको मैंने आउट करना है? बैट्समैन तो सारे हैं, सबको आउट करूँगा इंशाल्लाह, और बेसिकली तो बाबर आजम क्योंकि पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है और इंशाल्लाह इसको आउट करने का मिलेगा। लेकिन वो तो आपकी टीम में खेल रहे होंगे? नहीं, वो मैं PSL हट के वैसे ही पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी, तो ये बताएंगे अभी आप अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी थे और एशिया कप में थे, उसमें आपने एक मैच में 6 आउट किए, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे अच्छा परफॉर्म किया, ज़ाहिर बात है जब इंसान इतनी आउट करता है और खुशी तो होती है इंसान को और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा।
तो वहाँ पे किसी ने कोई कहा नहीं कि यार इतना लंबा बॉलर कहाँ से आ गया, ये तो हम तो इसको खेल ही नहीं सकते? कोई बैट्समैन ने कोई कंप्लेन तो नहीं की या किसी टीम की तरफ से कंप्लेन तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, मुझे तो किसी ने कहा, पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी वो डरे हुए थे जी। तो अब अच्छा ये बताएं कि अभी जो ये जो पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा है, इसमें जो है मतलब इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया, लेकिन सेमीफाइनल यूएई से हार गए जो कि एक एसोसिएट नेशन है, वहाँ पे कहाँ पे गलती हुई? नहीं, क्रिकेट है ये, किसी जागीर तो नहीं है, बाईस चांस गेम है, कुछ भी हो सकता है, गलती तो इंसान करता है, पर इंशाल्लाह उस गलती से सीखेंगे और नेक्स्ट डे गलती दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा ये बताएं कि अभी जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन अफरीदी हैं, सानुल्ला, नसीम के दो और भाई भी आ गए हैं, तो ये बड़ा मुश्किल मतलब इस टाइम कॉम्पिटिशन है कि पाकिस्तान की टीम में आने का, तो आपको लगता है कि आप अगले दो चार सालों में पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं? इंशाल्लाह, ज़ाहिर सी बात है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मेहनत है, वही जो अच्छी मेहनत करेगा वो इंशाल्लाह खेलेगा, और मेहनत तो कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह के घर में उम्मीद है। और ज़्यादा आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है, T20, टेस्ट क्रिकेट, वनडे? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो फेवरेट है वो टेस्ट है, पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ तीनों में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ। तो ये बताएंगे आप फैसलाबाद से हैं, तो सबसे ज़्यादा टीम में झुकते हैं तो आप मारते होंगे? तो वो तो शुक्रिया मिला, मजाक तो लगा रहता है, ज़ाहिर बात है फैसलाबाद का वो मजाक ना हो। तो फिर आप उसका मतलब ये इंटरनेट पे स्टेट ड्रामेज वगैरह इस तरह की भी चीज़ें वगैरह देखते रहते हो? नहीं नहीं, ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मैं देखता, बस बस फ्री टाइम कभी हुआ, बस कोई गाने गुने सुन लूँ, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चीज़ देखता। चले, हम चाहते हैं कि जिस तरह आप जुगते लगाते हैं अपने बाकी प्लेयर्स को, उसी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह, थैंक यू। Hi everyone, this is Rohan Adeem. Please subscribe to Cricwick's YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any latest updates and content from us.